आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। श्रीमंत बाजीराव पेशवा का लोहा दुश्मनों ने भी माना, हमें बाजीराव के युद्ध कौशल को सीखना चाहिए, कहा निशांत खरे ने। रावेरखेड़ी में श्रीमंत बाजीराव पेशवा की 283वीं पुण्यतिथि पर आयोजन संपन्न। श्रीमंत बाजीराव पेशवा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हमेशा अपने दुश्मनों को दांतों तले उंगली दबवाई और युद्ध में निपुण कला की महारत होने के साथ अन्य कई विरोधियों को युद्ध लड़ने के पूर्व ही पराजित कर दिया था। वहीं बाजीराव पेशवा ही ऐसे मराठा साम्राज्य के योद्धा थे जिन्होंने कभी निराशा को अपने पास नहीं आने दिया। ये बात श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की 283वीं पुण्यतिथि के अवसर पर युवा आयोग के अध्यक्ष निशांत खरे ने अपने उद्बोधन के दौरान कही। श्री खरे ने आगे कहा कि किसी भी तरह का युद्ध हो, बाजीराव पेशवा ने रणनीति के तहत युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए विरोधियों को कमजोर किया। वहीं उन्होंने चाहे दिल्ली की लड़ाई हो, गुजरात की लड़ाई हो या मध्य भारत की लड़ाई हो, हमेशा अपने युद्ध से पराक्रम दिखाते हुए विजय हासिल की। प्रदेश सरकार की कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा की युद्ध कला को सीखने की आवश्यकता आज हर युवा को है। वहीं घर घर बाजीराव के इतिहास को दोहराकर हमें हमारे वीर योद्धाओं की गाथा को जन जन तक लेकर जाना है। इस दौरान संस्था के संरक्षक श्रीपाद अवधूत स्वामी ने रावेरखेड़ी में होने वाले कार्य एवं यहाँ के निर्माण की जानकारी देकर अतिथियों से बाजीराव समिति संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों को बताया। इस दौरान अतिथियों ने श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर पूजन कर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं करीब एक घंटे से अधिक समय तक चले आयोजन के दौरान वक्ताओं ने श्रीमंत बाजीराव पेशवा के पराक्रम, साहस और उनके जीवन चरित्र पर उद्बोधन दिया। अंत में अतिथियों ने बाजीराव भोज में बेसन और रोटी खाकर बाजीराव को याद किया। इस दौरान आरएसएस के खरगोन विभाग संघ चालक राधेश्याम पाटीदार, पूर्व गुर्जर समाज अध्यक्ष प्रेमलाल छापरिया, विधायक सचिन बिरला, समिति अध्यक्ष लक्ष्मणराव इंगले मंचासीन थे। आयोजन समिति के विवेक भटोरे, मनोज बिरला, परसराम चौहान, वारिश जैन, जितेंद्र सुराणा सहित श्रीमंत बाजीराव पेशवा स्मृति प्रतिष्ठान के सदस्यों के अलावा खंडवा, खरगोन, इंदौर, धार, महेश्वर, मंडलेश्वर, बड़वाह, सनावत सहित महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में बाजीराव प्रेमी आयोजन में शामिल होने आए थे। वहीं मस्तानी के परिवार से उनके वंशज जंग बहादुर ने भी पत्नी बच्चों के साथ आकर श्रीमंत बाजीराव पेशवा की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रशासनिक अधिकारी SDM BS क्लेश, SDOP विनोद दीक्षित, तहसीलदार शिवराम कनासे, TI राजेंद्र बर्मन सहित प्रशासनिक विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक महिला पुरुष मौजूद थे। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।